हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और सुपर फास्ट 100 लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे। इसके लिए पीएम मोदी की ओर से जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं को निमंत्रण भेजा गया। बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के सभी राजनेताओं को फोन पर निमंत्रण मिला। 24 जून को पीएम आवास पर होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित जम्मू कश्मीर के नेताओं से संपर्क किया गया। बैठक के लिए जिन 14 नेताओं को बुलाया गया है उन्हें कोरोना नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट को लेकर आना होगा। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक सर्वदलीय बैठक 24 जून को दोपहर 3 बजे होगी। बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्य राजनीतिक दलों के अलावा दूसरे छोटे दलों के नेताओं को भी न्योता दिया गया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से प्रमुख आयोजन एक टेलीविजन कार्यक्रम होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की नोडल एजेंसी आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस साल मुख्य थीम स्वास्थ्य के लिए योगा यानी योग फॉर वेलनेस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के करीब 190 देशों में मनाया जाएगा। लाखों योग प्रेमियों ने अपने घरों से इस आयोजन का हिस्सा बने। देश में लगातार कोरोना का कहर घट रहा है। बीते 24 घंटे में 58,419 नए कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई। एक दिन में 1,576 मरीजों ने जान गंवाई। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। 24 घंटे में 170 नए मरीजों की पहचान हुई। एक दिन में 33 लोगों ने जान गंवाई। 24 घंटे में 400 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। इंटरनेशनल मार्केट में तेजी के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी देखने को मिली। सरकारी ऑयल कंपनियों ने रविवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में 29 पैसे और डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला। इसकी बढ़ोतरी के बाद राजधानी में पेट्रोल की कीमत 97.22 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.97 रुपये प्रति लीटर बिका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा काफी हद तक सफल रही है। एक सर्वे में भी स्पष्ट हुआ है कि पहले 5 राज्यों में हरियाणा एक है और हरियाणा को A+ ग्रेड मिला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार हेतु संस्कृत मॉडल स्कूल जो पहले 22 थे अब 136 किए गए हैं, जिन्हें CBSE की मान्यता दिलाई गई। यहां अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले प्लान में जहां 67 नए कॉलेज सरकार ने मंजूर किए, वहीं इस बार अभी तक 17 नए कॉलेज मंजूर किए गए। साथ ही जहां पहली से आठवीं तक की शिक्षा का अधिकार के तहत शिक्षा दी जाती थी, अब उसे 1 से 12वीं तक कर दिया गया है, जहां पुस्तकें और दूसरी सुविधाएं फ्री होंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए सरकार ने सुपर 100 कोचिंग सेंटर शुरू किया है, जो अभी तक रेवाड़ी और पंचकुला में थे, लेकिन सीएम ने हिसार कुरुक्षेत्र में भी सुपर कोचिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी विशेष सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। किसान आंदोलन में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई। आंदोलन में हो रही घटनाओं पर गृहमंत्री अनिल विज ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। जिसने बताया कि अगर कोई आंदोलन होता है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी उस आंदोलन के नेताओं की होती है, लेकिन यहां हो रही घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि अब किसान नेताओं के हाथ से आंदोलन निकल गया। वहीं SYL के मुद्दे पर अनिल विज ने कहा कि SYL को लेकर बातचीत पहले भी कई बार हो चुकी है और अब केंद्र ने एक बार फिर प्रयास किया, तो अगर बातचीत से मसला हल होता है तो बहुत अच्छी बात है।
तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए एनएक्सिस ने कहा कि सुरजेवाला को न जाने कौन सी बीमारी है, इसका इलाज भी नहीं हो सकता। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। परिवहन मंत्री ने मोहना रोड के साथ बन रहे नाले के निर्माण कार्य, सेक्टर 3 नहर से लेकर तिगांव रोड शिव कॉलोनी तक बनाए जा रहे 4 लेन रोड के अलावा चंदावली सेक्टर 64 डिस्पोजल का दौरा और मौके पर ही निगम के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए कहा कि नाले के अंदर बरसात के मौसम में पानी की बहाव में दिक्कत न आए, इसके लिए सभी रुकावट को दूर किया जाए और जल्द ही निर्माण कार्य को पूरा किया जाए ताकि आने वाले दिनों में लोगों को परेशानी न हो। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की मार पूरे देश को झेलनी पड़ रही है। अलबत्ता देश का किसान वर्ग भी लॉकडाउन की मार से अछूता नहीं रहा। प्रदेश में फूलों की खेती करने वाले किसानों को लॉकडाउन का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। फूलों के उचित दाम न मिलने से फूलों की खेती करने वाले हजारों किसानों को 200 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ। लॉकडाउन की वजह से फूलों की डिमांड नहीं है क्योंकि मंदिरों में होने वाले कार्यक्रम और शादियों में पहले जैसी रौनक नहीं बची। फूलों की डिमांड कम होने से चीन में तैयार फूलों की खेती को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करना पड़ा। किसानों ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष और इस वर्ष भी फूलों की खेती करने वाले हजारों किसानों को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी झेल रहे किसान अब मदद के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोग लगवा सके इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर अब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सके इसके लिए रेस्टोरेंट और बार में भी अब डिस्काउंट की स्कीम शुरू कर दी गई। गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित कई बार और रेस्टोरेंट में कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकें। उकलाना में सड़क निर्माण में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए, मरम्मत के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे। सोनीपत के गुणा गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट गबन मामले में 2 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में भारी रोष है। बीडीपीओ पर मिलीभगत का आरोप लगा है। टीकरी बॉर्डर पर जिंदा जलाने के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा की गठित कमेटी ने झज्जर पुलिस अधीक्षक राजेश दुक्कल से मुलाकात की। कमेटी में शामिल लोगों ने अधीक्षक को बताया कि यह हत्या नहीं आत्महत्या का मामला है, जिसको कुछ लोग हत्या का मामला साबित करने पर लगे। कमेटी ने एक वीडियो भी पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। कमेटी का दावा है मृतक मुकेश ने खूब तेल छिड़क कर आग लगाई थी, जिसमें कुछ किसानों ने उसकी जान बचाने की कोशिश भी की थी। साथ ही कमेटी ने गिरफ्तार किए गए किसानों को बेकसूर बता और उन्हें जल्द रिहा करने की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच गंभीरता से करने का इस दौरान आश्वासन दिया। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बहादुरगढ़ में किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि जल्द गाजियाबाद बॉर्डर पर यूपी और उत्तराखंड के किसानों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें बीजेपी को हराने के लिए किसान नई रणनीति बनाएंगे। प्रदेश में किसानों द्वारा बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आदित्य कॉलोनी में बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं की बैठक में सिरसा जिला प्रभारी को विशेष रूप से पहुंचना था। बैठक की सूचना मिलने के बाद भारतीय किसान एकता से संबंधित किसानों ने मौके पर पहुंचकर बैठक का विरोध किया। इस दौरान किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। किसानों ने कहा कि बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। जींद में किसानों ने खड़गड़ टोल प्लाजा पर अब पक्का कब्जा जमा लिया है। दरअसल हाल ही में आए 4 तूफानों ने हर बार किसानों के मोर्चे को ध्वस्त कर दिया।
लेकिन अब की बार किसानों ने जमीन में 3 फुट गहराई तक लोहे के पाइप और जींद पटियाला दिल्ली सड़क के बीचों बीच ईंट का पक्का मोर्चा तैयार कर दिया है। किसानों ने कहा कि सरकार के साथ साथ अब भगवान को भी परीक्षा देने के लिए किसान तैयार है। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद एक बार फिर किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन तेज करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने के लिए रादौर के पुराने बस अड्डे से अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसानों का एक जत्था रवाना हुआ। इस दौरान किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रधान जनरल सिंह सांगवान ने सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भले ही सरकार आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गोहाना के बिचपड़ी गांव में ग्रामीणों ने निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड हाईवे पर धरना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि खेतों में आने जाने के लिए सर्विस रोड की बजाय रास्ता देकर एक पुल का निर्माण किया जाए। इस मांग को लेकर उन्होंने डीसी को भी पत्र लिखा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनको अपने खेतों में काम करने के लिए रोज आना जाना पड़ता है और उनके खेतों में आने जाने के लिए क्रॉसिंग नहीं होगी तो उनको काफी परेशानी का सामना पड़ेगा। जींद खटकल टोल से किसान नेताओं ने एक और बयान जारी किया है जो सरकार की दिक्कतों को बढ़ा सकता है। किसानों का कहना है कि नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में सर्वसम्मति से प्रतिनिधि चुने जाएंगे। किसानों का कहना है कि ऐसा करके एक नया इतिहास रचा जाएगा। सर्वसम्मति से सरपंच चुनने के लिए गांव गांव में कमेटियां तैयार की जा रही है। किसानों ने कहा कि जो प्रतिनिधि सरकार की तरफ से चुनाव मैदान में उतरेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठन प्रदेश भर में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। आज भी करनाल स्थित जैन आराधन मंदिर में ब्लड कैंप कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और खेल मंत्री संदीप सिंह के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान वहां विरोध करने पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा है सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम रद्द किया जा सकता है। मैम कस्बे के लोग पिछले काफी समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय निवासी कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके, बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। एनजीटी ने बिना एनवायरमेंट क्लीयरेंस के चल रहे फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स को बंद करने के आदेश दिए हुए, लेकिन यमुनानगर में फिर भी 7 फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स बिना क्लीयरेंस के चल रहे हैं। 15 दिन पहले मामला पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संज्ञान में लाया गया था, जिसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा था कि इन फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया और इनके बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन अभी भी इन प्लांट्स में दिन रात हलचल देखी जा रही है और रात को भी ये प्लांट चल रहे हैं। वहीं इस मामले में बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि उनके विभाग को जो भी पत्र मिलता है उन आदेशों का पालन करवाया जाता है। अब उन्हें पॉल्यूशन विभाग की तरफ से पत्र मिला है और जल्द ही सभी प्लांट्स के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। रेवाड़ी के बाल भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओपी यादव के सामने लोगों ने अपनी परेशानियों को रखा। इस बीच एक बुजुर्ग ने कोरोना काल में अपनी आपबीती को मंत्री के सामने रखा और बताया कि कैसे कोरोना काल में उनके छोटे भाई के इलाज के दौरान अस्पताल ने उनसे पैसे ऐंठे। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने उनके भाई की जिंदगी को भी डूब लिया। इस बैठक में वो अधिकारी भी मौजूद थे जिन्हें इस मामले में 48 घंटे के भीतर जांच करके दोषियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। पंचकूला में झूरीवाला डंपिंग ग्राउंड का विरोध लगातार जारी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चंद्रमोहन के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।
गंगर नदी पार के सेक्टरों के लोग सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसको लेकर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त के आदेशों के बाद रविवार को शहर के सभी बाजार बंद नजर आए। देर शाम को आए आदेश के बाद बाजार भले ही बंद कर दिए गए हों, लेकिन व्यापारियों में इसको लेकर खासी चिंता देखी जा सकती है। लॉकडाउन के बाद बाजार खुलने पर व्यापारियों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन रविवार को दुकानें बंद करने के आदेश से व्यापारी एक बार फिर परेशान हो गए। व्यापारियों का कहना है कि लोगों की रविवार को छुट्टी होती है तो वे बाजार में सामान खरीदने आते हैं, लेकिन रविवार को ही बाजार बंद करने के आदेश के बाद ना तो रविवार को बाजार खुले ना ही कोई ग्राहक बाजार में पहुंचा। दुकानदारों के साथ साथ लोगों के माथे पर भी चिंता की लकीरें देखी गई, क्योंकि लोग भी पूरे हफ्ते ऑफिस जाने के बाद उनको रविवार को छुट्टी मिली और उसके बाद भी जब वो लोग बाजार गए तो बाजार बंद मिले। पलवल में हरियाणा पुलिस के एक कर्मचारी पर महिला के साथ शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जुलाना में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए तैयारियां की जा रही है, जिसको लेकर योग दिवस पर हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को योग अभ्यास किया जा रहा है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुलाना में एक योग कैंप लगाकर योग के बारे में जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार योग हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी और जेजेपी नेताओं के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। नासा बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने किसान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करते हुए कहा कि लेकिन यह भी कहा कि कार्यक्रम में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में बीजेपी और जेजेपी नेताओं के आने पर किसान रोष प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं ने बताया कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और भविष्य में भी किसान शांति बनाए रखने में ही विश्वास रखते हैं। किसानों का कहना है कि मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वे घर वापसी नहीं करेंगे। रादौर में पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले ऐसे किसानों की मुसीबतें बढ़ गई है जो या तो इनकम टैक्स के ही है या फिर ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी है जो कि 10,000 से ज्यादा पेंशन पा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे किसानों को भी सम्मान निधि वापस करनी होगी। पलवल पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर पैसे हड़पने के मामले में 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई मीसा गांव के रहने वाले उमेश कुमार की शिकायत पर की गई। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसने अदालत में 4th क्लास की नौकरी के लिए आवेदन किया था, उसे वेटिंग लिस्ट में रखा गया था और बाद में फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करके 26,000 रुपए हड़प लिए। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अर्जुन टाक को दिल्ली के मंडावली से गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के बाद उसके सहयोगी विनोद कुमार को दिल्ली के ही लक्ष्मीनगर से गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी एक आरोपी फरार है जो मथुरा का रहने वाला है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि तीसरे आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुरुक्षेत्र में भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान रानी रामपाल के घर पर खुशी का माहौल है। दरअसल ओलंपिक में भाग लेने की पक्की दावेदारी पर परिवार में खुशी की लहर है। इस खुशी के पल को लेकर रानी रामपाल की माता ने कहा कि उनकी बेटी ने खेल के जुनून से मुकाम हासिल किया और उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी बेटी अब मेडल भी जरूर लाएगी। वही रानी के पिता ने भी दुनिया के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि लड़कियों को लड़कों से कम आंकने की भूल कभी ना करें। गोहाना में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
ताजा मामला वार्ड 19 के राशन डिपो पर देखने को मिला। वारदात के दौरान चोरों ने डिपो का ताला तोड़कर हजारों रुपए का राशन और नकदी लूट ली। वहीं डिपो संचालक का आरोप है कि कई बार पुलिस को कॉल करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हद तो यह है कि 3 साल में इस डिपो में ये चौथी घटना हुई है और पुलिस अभी भी इसकी तफ्तीश गहराई से नहीं कर रही है। जींद के कंडेला गांव से 25 वर्षीय विजेंद्र के गायब होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि करीब 5 महीने से युवक लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष बना है। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम करने का ऐलान किया था, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारी कंडेला गांव पहुंचे और एक कमेटी का गठन किया। रोहतक के गांव बोहर में एक विवाहिता ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की। बताया जा रहा है कि महिला ने घरेलू कलह की वजह से खुद को फांसी लगाई। जज्जर के बरहाना गांव की प्रीति की शादी 3 साल पहले रोहतक के बोहर गांव के रहने वाले रवि के साथ हुई थी और इनकी एक 1.5 माह की बच्ची भी है। महिला का पति सेना में कार्यरत है और वह छुट्टियों में घर आया हुआ था। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद महिला ने खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही महिला के मायके वाले भी बोहर गांव पहुंचे। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया। इस दौरान ससुराल और मायके पक्ष के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। प्रदेश में नहीं थम रहे अपराध के मामले। सोनीपत में गोली मारकर युवक की हत्या का मामला सामने आया। दयापुर माइनर की पटरी पर यह शव मिला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई। सिवानी मंडी के निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला और बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने दोष देखा गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही की, जिसकी वजह से दोनों की जान चली गई। मामले की सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस अधिकारी का कहना है कि गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए निजी अस्पताल में लाया गया था, जहां महिला और बच्चे की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। भिवानी में नहर में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा नहर में नहाने के लिए उतरा था और तेज बहाव की वजह से बह गया। मृतक बच्चा मिताथल गांव का रहने वाला था, जो अपने पिता के साथ आया था। हादसे के बाद बच्चे की तलाश शुरू की गई, लेकिन नहर में पानी ज्यादा होने की वजह से 24 घंटे बाद ही बच्चे का शव बरामद नहीं किया गया। उधर नहर में होने वाले हादसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों ने माता पिता से अपील की है कि वो इस तरह के हादसों से बचने के लिए सतर्क रहें।